नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। समाज के लोगों के हम बीच पहुंच रहे हैं, उनसे विचार जान रहे हैं, क्या है सच डेरा सच्चा सौदा का, रियल फैक्ट क्या है बाबा राम रहीम जी का, जानते हैं सीधा लोगों से। नमस्कार मैम, आपका नाम? परनीत कौर। आपका? काजल। क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं BSc फर्स्ट ईयर में, प्लस टू। ओके मैम, क्या जानते हो आप बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या बताना चाहेंगे आप? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमें हमेशा ही मीन्स भलाई के कार्य करने सिखाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जैसे दुनिया बातें बनाती है। हमें पता है, हम वहाँ पे, मैं 18 इयर्स की और पिछले 10 ईयर से मैंने नाम ले रखा है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो, क्या जानते हो डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में? डेरा सच्चा सौदा से हमें बहुत शिक्षाएं मिली हैं, जैसे कि पिताजी ने बहुत ही लड़कियों के लिए सहूलत दी हुई है, पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, माता पिता का आदर सत्कार करना। डेरे में हमें बहुत कुछ ही शिक्षा मिलती है जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा राम रहीम जी का किस तरह का व्यवहार होता था वहाँ जो लोग जाते थे उनके साथ? उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा होता था, मींस जैसे सत्संग में जाते हैं हम, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे मींस जो वो होते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो पागल होते हैं, उनको उनके घर पे पहुँचाना, उनकी देखभाल करनी, और आवारा पशु होते हैं उनकी देखभाल करनी, सब कुछ अच्छा ही है। मींस हमारे यहाँ पे ना वो वेश्या को पिताजी ने बेटी बनाया अपनी, और किन्नरों के लिए, उनके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों की फ्री पढ़ाई हो रही है। आप क्या कहना चाहो? पिताजी ने बहुत कुछ ही यानी कि समाज वास्ते किया है, पिताजी हर कुछ यानी कि सारे ही यह शिक्षा देंदे ने कि सानू हर किसी का आदर सत्कार करना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पिताजी ने सानू सिखाया है कि दीन दुखिया जिन्हें भी हो सके मदद करो, मानवता भलाई के जिन्हें भी कार्ज ने उन्होंने वध चढ़ के हिस्सा पाओ। डेरा के अंदर कितना सुरक्षित मानते हो आप अपने आप को? इतने तो हम अपने घर में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते जितना वहाँ पे होते हैं। आप? पिताजी ने हमें इतना कुछ सिखाया है यानी कि इतना तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं कुछ सिखाया जितना कि पिताजी ने हमें बहुत कुछ ही दे रखा। और वहाँ क्या? और वहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी सिखाई जाती है लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए। क्या इस वक्त समाज को उनकी जरूरत है? ऑफकोर्स है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों क्यों जरूरत है इस वक्त समाज को बाबा राम रहीम जी की? क्योंकि इस वक्त समाज में जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं, इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वो वहाँ पे हमें ये सिखाते हैं कि कैसे इन बुराइयों से दूर जाना है, हमने कैसे समाज का सुधार हो सकता है, तो उसके लिए वो हमें शिक्षा देते हैं, इसलिए ज़रूरत है। आप? इस समाज में हमें पिताजी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने हमें इतनी शिक्षाएँ दी हैं ताकि हम आगे भी उनके वचनों पर चल सकें और बहुत कुछ ही यानी कि प्राप्त कर सके। लास्ट में गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि पिताजी को जल्दी से जल्दी मींस रिहा किया जाए, क्योंकि अगर उनके साथ देखो ऐसे जैसे 6 करोड़ की साथ संगत है, हमने समाज को सुधारना है, तो अगर 6 करोड़ भी एक एक करके एक एक बुराई को भी सुधारने पर लगे तो हमारा समाज कहाँ पहुँचेगा, देश की कितनी तरक्की होगी। आप मैम? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को हमारे बीच में पहुँचाएँ ताकि हम और भी ज़्यादा से अच्छे यानी कि संगत के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने हमारे पिताजी को वहाँ पे पहुँचाया है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।